अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और एंड नोट की वीडियो सीरीज़ की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट सॉर्ट्स और डिफरेंट वे से रेफरेंस को एंड नोट की लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। तो हम चार डिफरेंट तरीकों से रेफरेंस को एंड नोट की लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है इम्पोर्ट के ज़रिए। इम्पोर्ट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम PDF से भी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो एंड नोट के अंदर ही ऑनलाइन सर्च का ऑप्शन है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, हम उसके ज़रिए भी रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं एंड नोट की लाइब्रेरी में। और उसके बाद हम जो है रेफरेंस को मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। जो डिफरेंट डेटा बेसिस होते हैं लाइक अबेस्को, गूगल स्कॉलर, प्रोकस, पबमेड, IEEE, साइंसरेक्स, स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेस एटसेट्रा जो भी हैं, जब आप इनसे रेफरेंस एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एंड नोट इम्पोर्ट फिल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर मींस जो आउटपुट फाइल स्टाइल है या फाइल फॉर्मेट है, जैसे RIS हो गया, CIW हो गया, और भी दो और फॉर्मेट हैं, उनमें ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके एंड नोट फिल्टर को वो उसमें एक्सपोर्ट कर देता है। तो चले हम अब देख लेते हैं कि हमने डिफरेंट डेटाबेसेस से कैसे डायरेक्टली रेफरेंस को इंपोर्ट करना है। तो जो मैंने लास्ट वाली वीडियो थी उसमें जो लाइब्रेरी क्रिएट की थी वो मैंने दोबारा ओपन कर ली है। अब हम जो है डिफरेंट डेटाबेसेस से इसमें रेफरेंस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ले जी, मैंने इस ब्राउज़र में जो है डिफरेंट डेटाबेसेस जैसे स्कोपस हो गया, वेब ऑफ साइंसेस हो गया, पबमेड, गूगल स्कॉलर, साइंस ट्रैक, इनको ओपन कर लिया, और ये फेमस डेटाबेसेस हैं। तो हम जो है यहाँ सर्च बार में जो इसका सर्च इंजन होता है किसी भी डेटाबेस का, उसमें जो है कीवर्ड टाइप करेंगे या फिर हम डायरेक्टली जो है टाइटल भी टाइप कर सकते हैं उससे रिलेटेड पेपर देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करूँगा जो मुझे टाइटल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बेस पे मुझे पेपर सर्च करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल बिग डेटा, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो बिग डेटा से रिलेटेड मेरे पास 200,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। आप जो जो ये लेफ्ट बार है इस पे आप सर्च कर सकते हैं कि जो आप आर्टिकल यहाँ से चूज़ करेंगे वो ओपन एक्सेस हैं कि नहीं। उसके बाद आप ईयर की बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऑथर नेम की बेस पे, सब्जेक्ट एरिया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज वगैरह, उसकी बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा आर्टिकल चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जो है ये फर्स्ट वाला एक ही आर्टिकल एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम डिफरेंट डाटा को मर्ज वगैरह करके उसको डुप्लीकेट फाइंड वगैरह करके उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक ही सेलेक्ट करता हूँ आर्टिकल, उसके बाद मैं उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद आप जो है यहाँ से जो जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस आर्टिकल के लिहाज से तो आप जो है उसको सेलेक्ट कर लें। मैं जो है अमूमन ये तीन चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने जो है RIS फॉर्मेट एंड नोट के लिए आपने ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, ये आपका जो है रेफरेंस ओपन हो जाएगा एंड नोट की लाइब्रेरी में। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसकी समरी वगैरह, और ये रेफरेंस स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ले जी, ये हमने स्कोपस से अपना जो है पहला रेफरेंस अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लिया है। अब हम चलते हैं वेब ऑफ साइंसेस की तरफ। वेब ऑफ साइंसेस का भी सेम ही तरीका है, पर इसका जो फाइल इम्पोर्ट फिल्टर होगा एंड नॉट इम्पोर्ट फिल्टर वो डिफरेंट होगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिग डाटा,
और इसको मैं सर्च करता हूँ। आप देखें कि साइड बार पे जो है, जैसे हमारे पास स्कोपस पे आ रही थी चीज़ें, वैसे ही यहाँ पे आ रही होंगी। आप जो है अपने मर्जी के मुताबिक यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो है एक रेफरेंस को एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से एंड नोट डेस्कटॉप में डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकता हूँ और ऑनलाइन भी, पर मैं इसको यहाँ पे जो है रिज फाइल में एक्सपोर्ट करूँगा। और आपसे ये पूछेगा कि आपको कितने आर्टिकल चाहिए। मैंने यहाँ पे एक ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट करूँगा उस। और उसके बाद आपने रैकेट कंटेंट में से फुल रैकेट जो है उसको सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको जो है ओपन कर लेंगे। ले जी, ये मेरे पास वेब ऑफ साइंसेस से जो है रेफरेंस, वो मेरी एंड नोट लाइब्रेरी में ऐड हो गया है। चले अब हम चलते हैं पबमेड की तरफ। पबमेड में ये है, वो मैं अपना कीवर्ड जो है ऐसे टाइप करता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपको जो है पबमेड में भी यही चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद मैं फर्स्ट जो है पेपर उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड के बाद मैं साइटेशन मैनेजर, और उसके बाद मैंने जो है वो एक आर्टिकल सेलेक्ट किया होगा, इसकी मैं क्रिएट फाइल पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास ऐड हो गया मेरी लाइब्रेरी में थ्रू पबमेड। अब इसके बाद हम चलते हैं गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर में मैं सेम कीवर्ड टाइप करता हूँ और उसके बाद आप जो है यहाँ पे साइट पे क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसकी सेटिंग में जाके यहाँ से जो बिब्लियोग्राफी मैनेजर है वहाँ पे आप एंड नोट सेलेक्ट करके इसको सेव कर लें। पर उसके बाद जो है आप इसको डायरेक्टली जो है इंपोर्ट इनटू एंड नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है इसका जो इम्पोर्ट फिल्टर है वो .env है। इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। पर आपने जो है गूगल स्कॉलर से इम्पोर्ट करते वक्त ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें जो है अक्सर जो है इंफॉर्मेशन आपके रेफरेंस की वो मिस होती है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि वर्ड एब्स्ट्रैक्ट ये चीज़ें मिस है, तो आपने जो है इस आर्टिकल का जो टाइटल होगा उसके थ्रू आप आर्टिकल को सर्च करके आप जो है उस जर्नल की वेबसाइट पे जाके इसकी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपके पास इसका DOI लाजमी होना चाहिए और कुछ और भी इंफॉर्मेशन है वो आपके इस रेफरेंस में लाजमी होना चाहिए। चलें इसके बाद चलते हैं हम साइंस ट्रैक पे। साइंस ट्रैक पे हम जो है अपना कीवर्ड टाइप करते हैं और इसको कर लेते हैं सर्च। ये आपके पास लिस्ट ऑफ पेपर आ गया आपके कीवर्ड के रिलेटेड। आप यहाँ से पहला जो है आर्टिकल सेलेक्ट कर लें और उसको एक्सपोर्ट कर दें। आप इसको एक्सपोर्ट टू रिज फाइल और उसके बाद आप इसको अपने एंड नोट की लाइब्रेरी में ऐड कर दें। और आप देख सकेंगे कि इसकी जो है आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि ये फेमस डेटाबेसेस हैं। आप इनके पेपर देखेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी। पर जो आपने डाउनलोड किया होगा गूगल स्कॉलर से, आपको उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो है उसकी हर इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी मैन्युअली। तो चलें चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरह। PDF से आपने कैसे जो है रेफरेंस अपनी एंड नोट की लाइब्रेरी में ऐड करना है। अगर आपके पास आपके आर्टिकल की PDF मौजूद है और आप उससे जो है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है अपनी एंड नोट की लाइब्रेरी में ऐड करना चाहते हैं, तो आपके उस पेपर में जो है
डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI नंबर लाजमी गिवन होना चाहिए। तो आप जो है एक सिंगल PDF से भी जो बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन है वो अपनी EndNote की लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल PDF को एक फोल्डर में रख के उसको भी इंपोर्ट करके आप जो है उन सारी PDF की जो है इंफॉर्मेशन अपने जो है EndNote की लाइब्रेरी में आप ऐड कर सकते हैं। तो चलें इसका डेमो देख लेते हैं कि आपने कैसे अपनी PDF से बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन EndNote की लाइब्रेरी में इंपोर्ट करनी है। तो हमने जो है लास्ट टाइम साइंस डायरेक्ट पे अपना जो है कीवर्ड सर्च करके और इसके रिलेटेड जो है आर्टिकल्स देखे थे, और पहले आर्टिकल को हमने एक्सपोर्ट कर लिया था। अब हम जो है दूसरा आर्टिकल है इसकी PDF को डाउनलोड कर लेते हैं, और इस PDF से हम जो है इसकी बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन वो हम अपनी लाइब्रेरी में EndNote की लाइब्रेरी में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लूँगा अपने EndNote के फोल्डर में, इसको मैं नाम दे देता हूँ PDF का, और जो है मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ इसके नाम को, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। डाउनलोड करने के बाद जो है मैं अपनी EndNote की जो है लाइब्रेरी उसको ओपन कर लूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ फाइल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इंपोर्ट पे, इंपोर्ट फाइल, उसके बाद आपने यहाँ से जो है PDF चूज़ कर लेनी है वो आपकी जो आपने अभी डाउनलोड की होगी, और उसके बाद जो है आपने यहाँ से जो है PDF सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट ऑल अगर आपकी काफ़ी सारी PDF हैं और आपको इस बात का इलम है कि उसमें जो है डुप्लीकेट हो सकते हैं तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इंपोर्ट ऑल पे सेलेक्ट करूँगा। अगर आप जो है टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं और किसी ट्रांसलेशन में चाइनीज़ में है, कोरियन में है, तो आप उसको यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा इम्पोर्ट पे, ये सर्च करेगा, और उसके बाद ये मेरा रेफरेंस जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस लाइब्रेरी में। ले जी, हमारा सेकंड मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, मैनुअली कैसे रेफरेंस को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है रेफरेंस टाइप देंगे कि आपका जो है रेफरेंस वो कोई जनरल आर्टिकल है, बुक है, रिपोर्ट है, कुछ भी है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ऑथर का नाम लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, टाइटल और सेकेंडरी ऑथर जो भी हैं उनका नाम लिखेंगे, जर्नल किसने पब्लिश हुआ है उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद जो है उसके जो है रिलेटेड जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड करके सेव करेंगे, तो आपका जो है रेफरेंस यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम जो है नंबर ऑफ आर्टिकल डिफरेंट डेटाबेसिस से डाउनलोड करके कैसे उनको मर्ज कर सकते हैं, कैसे उनको जो है डुप्लीकेट उनसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे जो है डिफरेंट जो है आर्टिकल के यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने हैं, कैसे उनके जो है रिसर्च और रिव्यू के जो है सब ग्रुप वो क्रिएट करने हैं, और उसके बाद कैसे उनको जो है एक्सपोर्ट करना है टू डिफरेंट फॉर्मेट, एक्सेल में, रिज्यूमे में, TXT में, और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।